नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज जो हमारा ट्रेड हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे और कैसे हुआ, उसके लिए कौन सा लेवल जरूरी थे और जो भी कुछ था आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमारा YouTube चैनल है। यहाँ पे आपको बेसिक प्लस जो भी लाइव ट्रेडिंग होती है उसके वीडियो मिल जाएंगे। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ से आप। ओके, तो देख सकते हो आज का हमारा प्रॉफिट कुछ लगभग 5000 के आसपास है, डिसेंट प्रॉफिट है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है। ये हमारा कुछ देख सकते हो 5000 के आसपास प्रॉफिट है हमारा। ऑर्डर्स में भी चेक करेंगे कुछ लगभग ये सब कुछ आज के ट्रेड्स है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे कि कैसे हुआ और कैसे करना पड़ेगा। तो देख सकते हो आपको एक रेंज फिक्स करना पड़ेगा हमेशा। आपका व्यू करेक्ट होना चाहिए मार्केट में, आप कहाँ पे मार्केट जा सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपका जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी फिक्स होना जरूरी है। तो मतलब देख सकते हो मार्केट लाइव शुरू है अभी, यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, लगभग 3:18 हो चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये आपके माइंड के साथ खेल सकते हैं। ये जो बायर सेलर है, वो जो नंबर्स है, ये आपके माइंड के साथ खेल सकते हैं। हमेशा आपके माइंड पर एक अलग तरह का प्रेशर लगाएंगे, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा फिक्स रहना चाहिए। मान लेते कि अगर किसी बंदे ने ट्रेड लिया है तो उसका अगर पॉकेट साइज है कि 1000 रुपीज़ वो लूज़ कर सकता है पर डे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लेते कि उसका पॉकेट साइज है 1000 रुपीज़। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपका जो भी कैपिटल है उसका 20% ही यूज़ करना चाहिए। जब आप बिगिनर हो तो आपको 20% यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी भी कैपिटल यूज़ मत करो। तो मान लेते हैं कि आपका पॉकेट साइज 1000 रुपये है, मतलब आप अगर 1000 रुपये का लॉस आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1000 रुपये का लॉस आपके लिए कन्वीनियंट है। तो आपका जो भी स्टॉप लॉस है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट है, ये हमेशा इंस्टिक्ट रहना चाहिए। ठीक है, आप स्टॉप लॉस को हमेशा जैसे भी ट्रेड आपकी दिशा में जाए तो उसको ट्रेल करते रहिए और टारगेट को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, कभी भी ऐसा मत कीजिए कि ठीक है अभी आपका रिस्क 1000 रुपये का था तो 1:1 मतलब प्रॉफिट भी आपका 1000 रुपये के आसपास होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमेशा बात ध्यान में रखो कि जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है उसी के हिसाब से काम करो। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो तो जैसे कि आपने पहले फिक्स किया था कि 1000 रुपये में लॉस कर सकता हूँ, तो ये आपका पहले जो भी फिक्स किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट कितना चाहिए, 1:1 मतलब कितना होना चाहिए, 1:1 बोले तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था आपको। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे कि 200-300 दिखता है, जैसे इस बार 400-500 तो निकाल देते हो। ये कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। टारगेट को कभी अपने हिसाब से मत, एक बार ट्रेड लेने के बाद कभी उसको ट्रेल मत कीजिए कि आपने टारगेट पहले लगाया था कुछ 1000 रुपये का, लेकिन 200-300 रुपये दिखने के बाद आप निकाल देते हो। ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है हर बार आपको ट्रेड करने के लिए बैठता है। ठीक है, ट्रेडिंग जो करते हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग तो रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किया, आज का प्रॉफिट लेके चले गए, फिर दोबारा कभी मार्केट में नहीं आए, आना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये सब सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो होता क्या है, आपको हर महीने में 20 दिन मिलेंगे ट्रेडिंग के। ठीक है, उसमें से अगर आप 60% या 70% भी बराबर रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका 100% रोज के रोज वो मतलब प्रॉफिट कमाता हो या उसके सारे दिए हुए कॉल्स मतलब सारे लिए हुए ट्रेड्स 100% श्योर हो। अगर मान लेते हैं कि आपकी 60% या 70% भी, ठीक है थोड़ा सा पीसी का प्रॉब्लम चल रहा है, 60-70% भी आप करेक्ट होते हो, ठीक है 60-70% भी करेक्ट होते हो, तो 20 दिन में से आपके 5 ट्रेड फेल गए फिर भी आपका 15 दिन में प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपका 1000 रुपये का रिस्क था पर डे, तो अगर 5 दिन भी लॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो बाकी के 15 दिन है उसमें तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बन जाएगा, वो 15000 बन जाएगा। तो 15000 में से अगर 5000 निकाल देते हो तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट 10,000 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा मैथमेटिक्स के हिसाब से चलो, मार्केट को ये आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके दिमाग के साथ ये हमेशा खेलेगा कि आपको लगेगा यहाँ से टर्न हो जाएगा,
मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे सुबह जब खुला तो इसने बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना। ये किसी रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है, बड़े ट्रेडर ने मतलब जो भी बड़ा ट्रेडर बैठते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, उन्होंने यहाँ पे भारी मात्रा में अपनी क्वांटिटी सेल की थी। यहाँ पे लगभग मान लेते कि 20-30 करोड़ भी हो सकता है। और ये जो छोटे छोटे कैंडल्स देख रहे हो, मेरे पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, कोरोना पार्ट या फर्स्ट वीडियो कुछ तो था उसमें बताया था कि ये जो कैंडल्स बनते हैं छोटे छोटे, ये रिटेल ट्रेडर बनाता है, हम जैसे ट्रेडर्स बनाते हैं, ये हम जैसे ट्रेडर्स की वॉल्यूम से बनता है। लेकिन ये बड़े बड़े कैंडल देख रहे हो, ये रेड वाला बड़ा, ये ग्रीन वाला बड़ा, ये बड़े लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आपका मार्केट की तरफ देखने का व्यू करेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप करेक्ट भी नहीं हो तो स्टॉप लॉस कितना देना है, ये आपके ध्यान में चीज होनी चाहिए कि कितना दे सकते हो, कितना आप बियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1000 रुपये का रिस्क था और आपने 3000 रुपये लॉस कर दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मेरे को फोन करके पूछते हैं कि बोलते हैं कि मेरा आज 7000 का लॉस हुआ, 8000 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट के बारे में पूछा तो बोलते हैं 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये। मतलब प्रॉफिट कभी 5000 नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट कभी 3000 भी नहीं करेंगे, लेकिन लॉस करेंगे 7000-8000। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपका कैलकुलेशंस गलत है, आपको मार्केट की तरफ देखने का आपका नज़रिया गलत है। हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसको ट्रेडिंग में RR बोला जाता है, ठीक है, इसके हिसाब से चलो। अपने हिसाब से मत चलो कि मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरे को लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि आप अगर प्रॉपर टारगेट लोगे तो 60% भी आप करेक्ट रहे तो भी आप 10000 का हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बता देता हूँ कि क्या कैसे खेलता है मार्केट। देख सकते हो यहाँ से टोटल ग्रीन बना दिया, ठीक है, यहाँ से टोटल कैंडल जो थे वो ग्रीन कैंडल थे। देख सकते हो यहाँ बैंक निफ्टी का मैंने कुछ यहाँ पे अपने मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी दिया था टारगेट, वो भी अच्छे हो चुका है। लेकिन देख सकते हो यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन बना, फिर से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन यहाँ पे तो देख सकते हो पूरा क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, ऊपर कोई वीक नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में देखिए ये क्या हुआ, बहुत ही बड़ा फॉल हो चुका है। मतलब जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे स्विंग लोगे, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद सबको लगेगा कि ये सुबह का लो है, यहाँ पे अगर ब्रेक कर देगा तो अच्छी कैंडल बनी थी, टोटल रेड था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको अच्छे से परखना चाहिए, और उसके लिए टाइम लगेगा। एक दिन में कभी किसी के ट्रेड अच्छे से नहीं बैठते, इसलिए बिगिनर जब भी आप बिगिन करते हो स्टार्ट ट्रेडिंग करियर, एज ए ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हो, तो हमेशा कम रिस्क के साथ करो, ट्रेड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब मैं आपको अच्छे अच्छे और वीडियो लाता रहूँगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट की, वो आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। एक लाइक कीजिए, आज का टारगेट रहेगा कुछ, मतलब कुछ भी हो आपकी तरफ से लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।